उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 2846 प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने खुद शिक्षक के अंदाज में नए शिक्षकों को पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि शिक्षक को हमेशा सीखते रहना चाहिए, विद्यार्थी भाव में रहेंगे तो योग्य शिक्षक बनेंगे। शिक्षा के लगभग 1.5 लाख शिक्षकों के पद प्रदेश के अंदर भरे गए। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें योग्यता को और संविधान के आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करते हुए प्रदेश के योग्यतम अभ्यर्थियों को प्रदेश के अंदर शिक्षा जगत में किए जाने वाले परिवर्तन का साक्षी बनने का एक अवसर प्रदान किया गया है और आज यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित 2846 प्रवक्ता और सहायक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई और उन सभी 9 चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन मेरिट के आधार पर उन्हें विद्यालय भी चयन करके उपलब्ध करवाए हैं। मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को, खासतौर पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ओबीसी आरक्षण संशोधन को लेकर सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा ने के न्यूज से बातचीत में कहा कि अब प्रदेश सरकारें स्वतंत्र हो गई हैं। लंबे समय से प्रदेश सरकारें इसके लिए संघर्ष कर रही थी। बिल समर्थन के लिए विपक्ष का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लेकर